सिवान में इधर के कुछ दिनों में बारिश थोड़ी सी क्या हुई कि महाराजगंज का मुख्य सड़क पूरी तरह से झील में बदल गया। तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि जहां से एक सांसद और एक विधायक और वो भी गठबंधन की सरकार का और उस महाराजगंज का आलम क्या है, इसे देख करके लोगों को अब रोना आ जाता है। बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढे में लग चुके हैं पानी और बाइक से या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने में कितनी होती है कठिनाई, लेकिन इसका थोड़ा भी मलाल नहीं है स्थानीय जनप्रतिनिधि का। महाराजगंज में सांसद और एमएलए के बीच भले ही खींचातानी है और इस खींचातानी के बीच महाराजगंज के लोग पिस रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है कि महाराजगंज की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बरसात के मौसम में झील सा नज़ारा हो जाता है, लेकिन इस ओर ना ही विधायक का ध्यान है और ना ही वहाँ के स्थानीय सांसद का। वही व्यवसायियों की माने तो उनका कहना है कि महाराजगंज का यह सड़क कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। व्यवसायियों में काफी आक्रोश है और आने वाले चुनाव में व्यवसायी इस सड़क का जवाब एक एक नेता से पूछना चाहते हैं। महाराजगंज की ये बदहाल सड़कें अब तक क्यों नहीं बनी, काफी समय मिला नेताओं को, इसका भी जवाब व्यवसायियों को और महाराजगंज के लोगों को देना होगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार महाराजगंज की जनता मूड बदल चुकी है और ये सड़क इस बार का चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि काफी खंडहर जैसा झील में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के सांसद बीजेपी से हैं और विधायक जेडीयू से, यानी कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के दोनों बड़े बड़े नेता, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका, जिसका महाराजगंज के लोगों को काफी मलाल है। एटीएन लाइव के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज की रोड की स्थिति देखने के बाद लग रहा है कि इतनी जर्जर हो गई है कि कुछ कहने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है आम जनता के होने के नाते? यहाँ का स्थिति बहुत बेकार है जी। यहाँ तो कोई रोड पे चलना नहीं चाहता है जी। और यहाँ का जो भी विधायक है, सांसद है या नगर निगम अध्यक्ष है जी। सारे लोग इसका जिम्मेवार है जी। इन लोगों को दिख रहा है, इनको बनवाना चाहिए अतिशीघ्र। यहाँ की जनता बहुत बेहाल है जी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं मंजेश सिंह, महाराजगंज पुरानी बाजार। ये रोड की स्थिति इतनी जर्जर है महाराजगंज के राजेंद्र चौक से पसनौली तक की, क्या लग रहा है आमजन के नाते, क्या कुछ कहिएगा? आमजन के नाते हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो रोड है सुधरने लायक नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा बात है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, सांसद या विधायक है जी, जी। वह क्या बोलते हैं कि वह आदमी देख के काम करता है, ठीक है ना। रोड के फेर में नहीं रहता है, वो रहता है कि चुनाव हो गया तो हम कहीं से हमको वोट चाहिए, ठीक है ना। 10 लाख चुनाव में लगा देगा, लेकिन 6-7 लाख के रोड नहीं बना सकता है। यही तो है यहाँ का। आपका परिचय? मेरा परिचय विकास सिंह, महाराजगंज। महाराजगंज की रोड की स्थिति देखकर आप क्या कह सकते हैं? रोड का स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुका है, रोड पे तो जाने लायक ही नहीं, उससे अच्छा तो गाँव का रास्ता है जी। बताने लायक नहीं। महाराजगंज जो सांसद महाराजगंज के पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये विधायक जो है कुछ देख ही नहीं रहे लोग। वही रास्ते से थाना परिसर, प्रखंड मुख्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की रास्ता है, तो इस पर ध्यान किसी का नहीं है। तो इसको आपको लेकर क्या लगता है, किसका माना जाए लापरवाही? ये तो माना जाएगा सांसद जी, जो हमारे माननीय सांसद है, विधायक है, ये लोग इस पर कुछ कर ही नहीं रहे, इन्हीं लोग का मैं देखते हैं। तो आने वाले चुनाव में इसका क्या मुद्दा उठ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मेन मुद्दा यही उठ सकता है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र है, महाराजगंज का ये स्थिति अभी देखने को मिल रहा है, आगे चल के देखिए क्या होता है इस पे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रताप कुमार सिंह। आज जो महाराजगंज की रोड की स्थिति हुई है हल्की सी बारिश में, क्या लगता है इसका दोष किसका माना जाए? इसमें तो सरासर दोष मैं तो
स्थानीय सांसद और विधायक दोनों का ही अहम रोल है जी। बिल्कुल भी मतलब रोड तो चलने ही लायक नहीं है जी। देख के ही महाराजगंज का नाम है या महाराजगंज का मुख्य मार्ग देख लीजिएगा तो शर्म आ जाएगा। गांव का गली भी उससे अच्छा है। आने वाले दिन में कम से कम 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है बिहार का, इसका रोड का असर चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेन मुद्दा होगा रोड, मेन मुद्दा होगा। जिसको अब चलने का वो नहीं है, दिख नहीं रहा रास्ता, उसको भी समझ में आ रहा है कि रोड में कितना गड्ढा है, लोग जाने से कतरा रहे हैं, सड़क दूसरे दूसरे गली से निकल रहे हैं मेन मार्ग को छोड़ के। इसको लेकर आप यहाँ के जनता होने के नाते यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद जी को क्या कुछ कहिएगा? मैं तो माननीय सांसद और विधायक दोनों से उनके FB ID पे यहाँ तक का मैं टेक्स्ट मैसेज भी किया हूँ बार बार कि आप इस मुख्य मार्ग को बनवाइए। कितने बार मैंने आग्रह किया है लेकिन अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। मैंने ट्विटर पे भी उनको टैग किया है। आपका परिचय? मैं विश्वजीत कुमार सिंह। घर? रामगढ़ा। महाराजगंज के आमजन के नाते इस रोड की स्थिति इतनी जर्जर है, क्या कहिएगा? आज जो आप इस रोड का अवस्था देख रहे हैं, यहाँ पैदल चल पाना मुश्किल है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, सब लोगों सोए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग लगभग दर्जनों भर धरना प्रदर्शन रोड को लेकर कर चुके हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। यह बहुत दुखद और निंदनीय है। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा उठ सकता है? बिल्कुल, यह मुद्दा जरूर उठेगा क्योंकि यह शहर का मुख्य मार्ग है जो महाराजगंज धरौधा को जोड़ता है और इस सड़क से रोज महाराजगंज के सैकड़ों पदाधिकारी जो ऑफिस में काम करते हैं, सांसद विधायक सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं है। आपका परिचय? मैं अमरेश सिंह, यहाँ वार्ड नंबर 8 का स्थानीय निवासी हूँ। महाराजगंज की सड़कें जो झील में तब्दील हो गई है, इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? ये तो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के जो लोग भी अभिनेता है वर्तमान में, हेमनारायण शाह जो विधायक है, ये लोग को अपने जेब भरने से फुर्सत नहीं है। रोड क्या बनाएंगे ये लोग? 15 साल से सांसद और विधायक जो भी आए सिर्फ अपना जेब भरने में लगे। यहाँ की जो रास्ता है चलते हुए मतलब इतनी परेशानी है लोगों को, जो भी यात्री हैं, स्थानीय लोग हैं, मार्केट में निकलना बहुत मुश्किल है। रोड की ऐसी जर्जर व्यवस्था है, ये लोग को लूटने से फुर्सत मिले तब ना रास्ते बनाएंगे ये लोग। सांसद साहब से आप लोग अभी बोले हैं? कह कह करके यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग थक चुके हैं। कहने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि रोड बनेगा और उसके बाद फिर वो बातें भूल जाते हैं और वो अपने घर, और लोग क्या कर सकता है, झगड़ा तो करेगा नहीं। महाराजगंज में सड़क की जो दुर्दशा है, ये इस पे यहाँ के नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं जी? नहीं, कहाँ ध्यान देना है, आते हैं और अपना वाहन पर आएंगे चले जाएंगे। यहाँ की क्या स्थिति है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमसे तो उनसे यही निवेदन है कि कम से कम वो पैदल यात्रा करें ताकि यहाँ की परिस्थिति को देखें और इसको सुधार करें। वो यहाँ की ऐसी स्थिति है कि यहाँ से हम वर्सियर चौक से अगर जाना हो सब्जी खरीदने के लिए तो हम लोग को इतना ना परेशानी हो रही है कि जिसका जवाब नहीं।